तो द लॉर्ड इज गुड टू ईच वन ऑफ अस। एंड आज हम एक शेयरिंग का समय भी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रभु आपसे सब रोज बातें करते हैं हम, जैसे हम संडे को दिन सुना था प्रभु दाखरस है, दाखरस का झाड़ है, हम उनका डाली है, वी आर द ब्रांचेस। सो लेट अस ऑलवेज लिसन टू हिम एंड अबाइड इन हिम, ट्राई टू लिसन टू द होली स्पिरिट एज ही स्पीक्स टू अस। सिस्टर सोनाली इज ऑन द लाइन, Yes, brother. सो आई विल शेयर फॉर सम टाइम एंड वॉट एवर गॉड हैज स्पोकन टू यू ऑल ना पर्सनल लाइफ, कैसे हाउ वी हैव टू ओबे द लॉर्ड, हाउ वी हैव टू लिसन इन डिफरेंट एरियाज ऑफ आर लाइफ, द होली स्पिरिट स्पीक्स टू अस। सो लेट अस शेयर दोज वर्ड्स। हिंदी में बात करती है, ट्रांसलेट। जी मैं थोड़े समय के लिए साझा करूंगा, वचन से बांटूंगा, उसके बाद आपके पास समय होगा। कैसे प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, आप कैसे प्रभु के आप बातों का आज्ञा पालन कर रहे हैं, आप साझा कर सकते हैं। So we heard that we have to abide in Jesus always. That means we have to walk in the same way as Jesus walked. हमने हमेशा सुना है कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, मतलब कि जैसे वो चले हैं इस पृथ्वी पर वैसा ही हमें चलना है। And each one of us is a branch attached to Jesus. और हम में से हर एक जो है वो जड़ है, परमेश्वर की जो डालियां हैं जो परमेश्वर से जुड़ी हुई है, तो टू जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, यीशु मसीह से हम जुड़े हुए हैं, स्वयं यीशु मसीह से। दैट इज व्हाई जीसस इज आवर हेड एंड वी हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम हिम एंड लिसन टू हिम। और इसलिए यीशु मसीह जो है हमसे सबसे ऊपर हैं और उनकी आज्ञाओं को, वो हमें आज्ञाएं देते हैं और उनको हमें उसका पालन करना ही है। वी आर नॉट अटैच्ड टू एनी चर्च, वी आर अटैच्ड डायरेक्टली टू जीसस क्राइस्ट। हम किसी कलीसिया से जुड़े हुए नहीं हैं, हम स्वयं यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। When we attach to Jesus Christ, we come into the church. हम यीशु मसीह से जुड़े हैं इसलिए हम कलीसिया आते हैं। When we are not attached to Jesus Christ, we go away from the church. और यदि हम यीशु मसीह से नहीं जुड़े होंगे तो हम कलीसिया में नहीं आएंगे। And we are attached to Jesus Christ always by obeying whatever He says. और हम तभी जुड़े रहेंगे प्रभु यीशु मसीह से जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। The more we obey, the more fruit we bear. ज्यादा से ज्यादा जितना हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे उतने ही फल प्रभु हमारे अंदर देंगे। And that's how this is what glorifies God. This is God, what God is pleased in our life when we bear more वही fruit. यही परमेश्वर की महिमा है, जो परमेश्वर को महिमा देती है वो यही बात है कि हम ज्यादा से ज्यादा फल लाएं। The fruit is our behavior, a Christ-like behavior in our lives. और जो फल है वो परमेश्वर का स्वभाव है हमारे अंदर। When we come to Christ, we got very little of that behavior of Christ. और जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए थे तो थोड़ा सा ही था हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव। We are so filled with so many lusts and desires, worldly desires, and there are so many things that are controlling our lives. और जब पहले जो हमारा जीवन था बहुत सारी सांसारिक अभिलाषाएं थी, बहुत सारी बुरी बातों का नियंत्रण में थे हम लोग। But now we have to grow up into Jesus Christ and let His desires be our desires. और अब हमें परमेश्वर में बढ़ते जाना है और उसकी इच्छाएं हमारी इच्छाएं होनी चाहिए। And then we will sign that automatically His nature, His fruit of the Spirit will be seen in our lives. और फिर हम देखेंगे अपने आप ही जो परमेश्वर के जो व्यवहार है, स्वभाव है, उसका जो फल है हमारे अंदर दिखने लगेंगे। If we obey the leading of the Spirit, then it'll go well with us. अगर यदि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो सब कुछ ठीक होगा हमारे जीवन में। And as we read earlier in Galatians chapter 5, if we do according to our fleshly desires, then all the sin will come back into our own life. और गलातियों 5 में हमने पढ़ा था कि यदि हम फिर वही पाप करते जाएं, यदि वही जीवन जीते जाएं तो सारा पाप हमारे जीवन में जो था वो आ जाएगा। So Christians can have all the bad qualities and all the bad nature of unbelievers also. और मसीह हैं जितने भी, अगर यदि मसीह हैं तो वो, और यदि वो अविश्वासी भी क्यों ना हो पर उनके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें, बुरी बातें देखी जा सकती है। Because if you are not obedient to the Holy Spirit, all these bad nature will remain in our lives and we will become worse and worse. क्योंकि हम वो जो हैं वो आज्ञाकारिता में नहीं रहते हैं पवित्र आत्मा की, और उनकी उनकी बातों को नहीं सुनते और उनका जीवन बद से बदतर होता जाता है। That is why the Lord, the Holy Spirit is given to change our lives.
और इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है हमारे जीवन को बदलने के लिए. Jesus not only forgives our sins but is also wanting to change us. यीशु मसीह ने हमारे पाप सिर्फ क्षमा नहीं किए हैं, वो चाहते हैं कि हम बदले भी. As we sing in a song, from earthly things to heavenly things. जैसे कि हम गीत को गाते हैं कि संसार की चीजों से स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाने का. So the Holy Spirit wants to change us because we know that there are so many things in our life that are to change and we are also not very eager to change. और पवित्र आत्मा जो है हमें बदलना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमें बदली जानी चाहिए और हमें भी उत्सुक रहना है बदलने के लिए. And that's why he sends so many troubles and problems across our life. और इसीलिए जो बहुत सारी दुख मुसीबत तकलीफें जो हैं हमारे जीवन में आती हैं. So that we may turn from earthly things to heavenly things. ताकि हम बदल सके संसार की अभिलाषाओं से हम स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगा सके. So most Christians we have a tendency to just be satisfied with our outer life. और बहुत सारे मसीह जो हैं अपने बाहरी जीवन से बहुत संतुष्ट हो जाते हैं. And we all think that we are okay. There's nothing much wrong in our lives. और हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ भी ज्यादा गलत नहीं है मेरे जीवन में. So but the Holy Spirit, when we come close to God, God shows us all the selfishness and the pride and the things that we speak and the things that we think. When we are exposed to God, we see so much of our wrong things and the sins in our own life. और फिर उसके बाद जब हम प्रभु के पास आते हैं तो पवित्र आत्मा हमें दिखाते हैं हमारे घमंड को, स्वार्थी जीवन को, हमारे बोलने के चलने के तरीके को, हमारा चाल चलन सब हमारे सामने आता है. So I have to take it to the Lord and say, Lord, this is my problem. Lord, please help me. I'm getting all these things. I don't want to hide it. Please help me. Fill me with your Holy Spirit, and then God will fill us with the Holy Spirit. और फिर हम जब प्रभु के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु, ये बात है मेरे जीवन में, ये पाप है परमेश्वर, ये आप क्षमा कीजिए, मैं इसको छुपाना नहीं चाहता हूँ. तब प्रभु हटाते हैं और अपने पवित्र आत्मा से भी भरते हैं. In Psalm 119, we were reading in that portion. I think most probably it is written by David. He shows he has such a hunger and thirst for God. और भजन संहिता 119 में हम देखेंगे दाऊद के द्वारा लिखा गया है ये, और कितनी भूख है इनको परमेश्वर के लिए अपने जीवन में. It says in verse 29 of Psalm 119. भजन 119 का. Remove the false way from me and graciously grant me thy law. Brother, verse 29, 29 वचन. मुझको झूठे झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे. So another version says, help me to stop lying to myself. और दूसरी जो है बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि brother, please speak. Help me to stop lying to myself. मैं कि मुझे अपने आप से झूठ बोलने से रोक दे. No, we have a tendency to think that we are okay when we are not okay. और हमारी सोच ऐसी होती है कि हम ठीक है जबकि हम ठीक नहीं होते हैं. We don't like to see our faults at all. हम अपनी गलतियों को नहीं देखना चाहते बिल्कुल भी. And other people also show us our faults. We don't like it so much. और यदि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे अंदर गलती निकाले तो हम बिल्कुल भी पसंद करते हैं इस बात को. So whenever our faults are exposed, we are not very happy with that. और जब भी हमारी गलतियों को ऐसे उजागर किया जाता है तो हम बिल्कुल खुश नहीं होते हैं. Because then we have to change our behavior. और क्योंकि जब हमें अपना व्यवहार को बदलना होगा. So that's why the devil also encourages us and tells us that you are okay. और इसलिए शैतान भी हमें प्रोत्साहित करता है कि हाँ तुम ठीक हो, सब अच्छा है. But the godly man will say, Lord, I'm not okay. Please show me what is wrong and help me, Lord, to obey you more clearly, more closely. और जो ईश्वरीय व्यक्ति होगा वो ऐसे नहीं कहेगा, वो कहेगा कि हाँ प्रभु मेरे अंदर कुछ ठीक नहीं है, प्रभु मुझे बदलिए और अपने करीब ले आइए प्रभु. These people are the ones who draw closer to God. और वही यही जो लोग हैं वही परमेश्वर के समीप जा पाते हैं. For example, when you go to school or to college,
उदाहरण के लिए ले लीजिए, या यदि आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हो, सम चिल्ड्रन आर वेरी ईगर टू लर्न, कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत उत्सुक रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए, सम चिल्ड्रन आर नॉट एट ऑल ईगर टू लर्न, और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो जिनको बिल्कुल उत्साह नहीं होता, कुछ पढ़ाई नहीं करते, सो दे आर जस्ट कंटेंट जस्ट टू गेट पास मार्क्स एंड प्लीज देयर एंड दैट्स अबाउट देयर इनफ, और वो ये सोचते हैं कि बस थोड़े से हमें पासिंग नंबर मिल जाए जिससे हम पास हो जाएं, बस उतना ही काफी हमारे लिए। They go to school, they keep all the attendance, but they're not really enthusiastic about studying. वो स्कूल तो जाते हैं, अपनी जो हाजिरी है वो भी लगाते हैं, पर पढ़ाई के लिए उनको तो कोई दिलचस्पी नहीं है। That's why they do not make much progress in their life, and later on they don't progress very fast. और इसी कारण जो उन्नति होती है उनके जीवन में नहीं हो पाती है, और बाद में भी जो उनको जैसा बनना चाहिए, जैसी उन्नति उनकी होना चाहिए, वो नहीं हो पाती। So that is why the psalmist David was a man after God's own heart. He said, Lord, please show me all my faults and help me not to deceive my own self. और इसलिए जो दाऊद है, जो परमेश्वर के मन के जैसा था, वो कहता है कि मुझे प्रभु मुझे बताइए कि मेरे अंदर क्या गलतियां हैं। And many of us are believers, we have a tendency to deceive our own selves. और बहुत सारे विश्वासी जो हैं, उनके अंदर ऐसा स्वभाव होता है कि वो खुद को धोखा देते हैं। Because in our own flesh, in our selfishness, we try to deceive our own self. और हमारे शरीर, जो हमारा शरीर है, उसके जो हमारा जीवन है, उसमें बहुत सारा स्वार्थीपन है और वो हमें धोखा देता है। You see in the book of Ephesians chapter 4, इफिसियों के चौथे अध्याय में, verse 22. 22 वचन, That is in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in according to the lusts of deceit. कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। So, when we were without Christ, we used to believe that we were okay. In spite of all the sin that we are doing, and we used to justify our sin. और जब मसीह हमारे जीवन में नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है हमारे जीवन में, और हम पाप हम समझौता करते हैं। So as believers also, we have got this lust that are there in our flesh, which always tells us whatever we are doing is right. और विश्वासी भी ऐसा ही होता है, जब उसके जीवन में कोई पाप होता है, तो बोलता है कि नहीं हाँ सब ठीक है। When we tell a lie, the lust says, "No, no, you told a lie, but that is okay. In this situation, it is okay." जब हम झूठ बोलते हैं, तो हमारे अंदर की जो अभिलाषा है, वो ये कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, इस परिस्थिति में बोलना पड़ेगा। But if we go to the Holy Spirit will say, "No, you should not have spoken like that." पर हम पवित्र आत्मा में होते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, तो पवित्र आत्मा हमें चिताता है कि नहीं, झूठ नहीं बोलना है। For example, if you lose your temper or get irritated. Then we try to justify itself. No, no, no. I did it just because he was very bad to me, and that's why I did. So we try to these lusts try to give make excuses or deceive ourselves. और जब हम गुस्सा करते हैं या गलत व्यवहार करते हैं, पाप करते हैं, तो हमारे अंदर की जो अभिलाषा है वो कहती है कि नहीं ठीक है, इस समय करना जरूरी है, तुम कर सकते हो, पर ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं इसके कारण। Even watching all bad things in the YouTube and all. The lust desire want us to see the wrong things and tell us it is okay. और YouTube पर बहुत ही खराब चीजों को यदि हम देखना चाहें, या TV प्रोग्राम में कुछ ऐसा देखते हैं, तब हमारी जो मन की अभिलाषा होती है, वो कहती है कि हाँ ठीक है, कर सकते हैं। So many times when God tells us to obey, we try to make all justifications and try to think that what we are doing is okay. और फिर हम बहुत सारे बहाने जो हैं अभिलाषाओं के द्वारा हम बनाने लग जाते हैं कि हाँ कोई बात नहीं है, इस परिस्थिति में ये कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, मैं कर सकता हूँ। So that's why we keep on disobeying the Lord. और इसी कारण, यही कारण है जो हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता कर रहे हैं। Because we listen to our own lustful desires and then we try to justify ourselves. और यही है जो हम पाप में अभिलाषाओं को सुन रहे हैं और उसको फिर मान नहीं रहे हैं, उसको ठीक भी कर रहे हैं उसी जगह। And this is how unbelievers also live. और ऐसे ही अविश्वासी भी जी रहे हैं। But a person who draws to God will say, no,
दिस इज नॉट द करेक्ट बिहेवियर, दिस इज नॉट द वे जीसस वुड डू इट, आई हैव टू चेंज। और जो परमेश्वर के करीब होते हैं वो ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं कि ये सही तरीका नहीं है, मुझे बदलना होगा। सो वी हैव टू हम्बल आवरसेल्व्स एंड वी डोंट माइंड हम्बलिंग आवरसेल्व्स एंड गेटिंग द शेम और आल्सो नॉट प्लीजिंग अदर पीपल। हमें अपने आप को दीन करना होगा और इसके कारण हम ऐसा नहीं है कि दूसरों को खुश करने के लिए हो, पर हमें सिर्फ प्रभु को खुश करना है। So that is why we must always be obedient to God right from our heart. और हमें हमेशा प्रभु के लिए आज्ञाकारी रहना है अपने पूरे हृदय से। So God desires such people. परमेश्वर उन्हीं की इच्छा करते हैं अपने जीवन में। When we, I was reading the book of Romans and chapter 2. मैं रोमियो की किताब दूसरा अध्याय पढ़ रहा था। Verse 28 and 29. 28-29 वचन। It says, for he is not a Jew who is one outwardly, neither is a circumcision that which is outward in the flesh. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision as that which is of the heart, by the spirit, not by the letter. And his praise is not from men, but from God. क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। Here the Apostle Paul was writing about the Jews. और यहाँ प्रेरित पौलुस जो है यहूदी के विषय में लिखते हैं। And he was telling the Jews were so proud that they were the God's people and they had circumcision. And they felt that all the outward things they were doing right, but the inner heart was not correct. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो यहूदी हैं बहुत ही घमंडी हो गए हैं कि वो परमेश्वर के लोग हैं, वो बाहरी रूप से तो बहुत अच्छे काम करते हैं, पर प्रभु मन से वो प्रभु के करीब नहीं। So the same way the Apostle Paul was telling the Christians also, you can say he is not a Christian who is just outwardly, but be somebody from inside where we. Put to death the desire of our flesh. और यही ये वचन को हम अभी ले सकते हैं जो मसीहों से कहा जा रहा है कि जो तुम काम कर रहे हो बाहरी रूप से तो ठीक है, पर अंदर से जो है तुम्हें मौत की ओर ले जा रहे हैं। We must humble ourselves not just outside but also inside. हमें अपने आप को बाहरी रूप से ही नहीं, पर अंदर से भी हमें अपने आप को दीन बनाना है। These are the true Christians. यही जो है सच्चे मसीह है। There are a lot of Christians who make an outward act of humility. जो बहुत सारे मसीह होते हैं, विश्वासी होते हैं, वो बाहरी रूप से दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे दीन हैं। They do a lot of sacrifices for helping the church, helping the poor, and so many other things. But inside their heart is for themselves, and they want to please their own lusts. बाहरी रूप से तो वो बहुत सारा त्याग करते हैं या किसी की मदद करते हैं, कलीसिया में किसी की मदद करते हैं, पर अंदर से जो है स्वार्थीपन है, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। They want to live for themselves. वो अपने आप के लिए जीते हैं। Because of that, the Holy Spirit cannot work in their life. और इसी कारण जो है पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाते। And the nature of God is not seen in their life. और परमेश्वर का स्वभाव भी उनके अंदर देखा नहीं जाता। So the only nature of Jesus can come in our life when we put our fleshly desires to death. और हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव तभी नजर आएगा जब हम अपने आप को मौत की ओर ले जाएं। When we say, Lord, in this situation, every situation of my life, Your will should be done. Your decision should be my decision. और जब हम कहें अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में प्रभु कि आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छाएं जो है वो मेरी इच्छाएं हैं। This is what the Apostle Paul says, this is a true circumcision. और यही प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि यही सच्चा खतना है। So we may come to CFC also, this is a very good church. But if our inner life is not put to death, our selfish desires, then we'll only have an outer life. और सीएससी में आने वाले आप लोग हो सकते हैं, बहुत अच्छी कलीसिया है वो, पर अगर यदि आपने आपको स्वार्थी जीवन को, अपने पाप को मौत के करीब नहीं ले गए हैं, तब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरे नहीं कर सकते।
That is why the Apostle Paul, James said, you know, do not be just hearers of God's word, deceiving yourselves, but be doers. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर मानने वाले भी बनो. So right, within the hidden life, we should be true to the Lord and we should have a clear conscience. और हमारे गुप्त जीवन में हमें परमेश्वर के साथ सच्चा होना है और हमारा विवेक को शुद्ध होना है. And it says the last phrase, their praise comes not from men but from God. और यहाँ पर वचन में लिखा है कि ऐसों की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं है परंतु परमेश्वर की ओर से होती है. Let God praise us and we were not waiting for the praises of men. परमेश्वर को हमारी प्रशंसा करने के लिए दीजिए. जो मनुष्य है वो ना करे या ना ही करता हो तो भी चलेगा. Many believers are waiting for the praise of the elders or the other brothers and sisters and saying, "Ah, you sing nicely, you're shared nicely, or you are translated nicely, or so many other things, sing Sunday school nicely, all these things." और बहुत सारे जो जन हैं वो अपने जो प्राचीन हैं अपने हमारे जो अगुए हैं उनकी प्रशंसा चाहते हैं कि तुमने कितना अच्छा गाया, कितना अच्छा तुमने वचन बांटा, कितने अच्छे से अनुवाद किया, कितना अच्छा तुमने गाना संडे स्कूल लिया, पर इन सब चीजों की आप परवाह ना करें. Because man can see only the outward. क्योंकि जो मनुष्य है वो बाहरी रूप से ही देख सकता है बस. But God sees our inner hearts and desires and motives. और प्रभु जो है हमारे अंदर के जीवन को हमारे लक्ष्य को जानता है. And we want God to praise us. और हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रशंसा करे. Like Jesus got the praise from the Heavenly Father, said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." और पिता ने भी यीशु मसीह को कहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ. How can I get it and how can you get this praise from God? कैसे आपको या मुझे परमेश्वर की ओर से ये प्रशंसा मिलेगी? Many times I've thought about it and said, "Lord, how can I receive your praise?" कई बार हम सोचते हैं इस बारे में कैसे आपकी प्रशंसा हमको मिलेगी. What happened to Jesus when the Father said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased"? क्या हुआ था जब परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा कि तू ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ? He was anointed by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया. The early disciples, because they pleased God, God anointed them with the Holy Spirit. और फिर जो पुराने जो प्रेरित लोग हैं, उन्होंने पवित्र वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किए गए. If I and you and I please the Lord every day, God will keep on filling me every day with the Holy Spirit. और यदि हम भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर बहुतायत से हमें पवित्र आत्मा से अभी हमारा अभिषेक करेंगे. Because God fills people who are Holy Spirit only with whom He is well pleased. और प्रभु अपने पवित्र आत्मा उन्हीं को देते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं. Who are honest with Him. जो उसके लिए ईमानदार होते हैं. Those who are humble. जो प्रभु में दीन होते हैं, नम्र होते हैं. And they are willing to change. और जिसको बदलने की इच्छा है. And those who are willing to obey God. और जिसको आज्ञा मानने की इच्छा है अपने जीवन में. Those who are not willing to obey God and listen to His commandments will not receive the Holy Spirit. जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, ना आगे मानना चाहता है, कोई इच्छा नहीं रखता, उसको पवित्र आत्मा नहीं दिया जाता. And when we receive the Holy Spirit, I get a lot of peace and joy and love in my heart. और जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो बहुत सारा शांति, आनंद और प्रेम हमारे हृदय में आता है. That is the sign that God, I'm pleasing God. यही है चिन्ह जो हमें बताएगा कि हाँ, हम परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जी रहे हैं. So dear brothers and sisters, let us please God in our inner life, in our thought life, and God will continuously fill us with the Holy Spirit. इसलिए भाइयों बहनों, अपने हृदय से अपने अंदर जो गुप्त जीवन है आपका, उसमें परमेश्वर को खुश करें तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे. What is the use of getting all the praise of people other around us, from unbelievers and believers, when God is not pleased with us? आपको क्या मिलेगा यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपकी प्रशंसा करें, जो आपसे मिलते जुलते हैं वो आपकी बड़ाई करें, पर प्रभु आपकी बड़ाई ना करें?
But God is pleased with us. When God is pleased to us, He fills up the Holy Spirit filled with so much of joy and love and peace at all times. प्रभु जब हमसे प्रसन्न होंगे तो प्रभु हमारे जीवन में पवित्र आत्मा देंगे और बहुतायत का शांति आनंद और प्रेम हमारे हृदय में हमेशा के लिए बना रहेगा. And Jesus said, "Rivers of living water will flow from your life." और यीशु मसीह ने कहा जीवन जल की नदियां हमारे हृदय से बह निकलेगी. And that is the most important thing in our life, that God should be pleased with me and I should get the praise of God. और यही सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में कि हमारे जीवन से प्रभु खुश होना चाहिए और मैं उसको खुश करने वाला रहना चाहिए हमेशा. And God is pleased when I obey Him. As soon as He tells me something, try to do my best to obey Him. और हमेशा आज्ञाकारिता में रहें. जब जब भी प्रभु कुछ करने के लिए कहते हैं हमें पूरी कोशिश करना है कि हम उसकी आज्ञा माने. The problem with the Jews is that they only were doing all the outward things, but in the inner life they were not at all obeying. यहूदियों के साथ समस्या ये थी कि वो बाहरी रूप से तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे पर अंदर मन में अंदर जो उनका गुप्त जीवन था वो अच्छा नहीं था प्रभु के साथ. They were doing all the ceremonies and all the sacrifices and the fasting and everything, but the inner life was full of selfishness and pride and greed. बहुत सारा प्रभु को भेंट चढ़ाते थे और बहुत सारी बातें जो थी वो परमेश्वर के लिए करते थे पर अंदर से जो है बहुत सारे घमंड से और बुरी बातों से भरे हुए थे. So even our hearts are full of the same thing. और हमारे हृदय में भी ये ठीक ऐसी ही बातें हो सकती है. But as the Holy Spirit shows to us, we ask God for help and strength, and God will help us to overcome by the power of the Holy Spirit. पर हम पवित्र आत्मा से मांग सकते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर उजागर कीजिए और फिर हम मान कर प्रभु के पास जाएं और माफी मांगे और प्रभु के लिए जीवन जिए. So on our day-to-day situations of life, God shows us so many situations where we can see our sin and cry out to God for help, and we can be an overcomer. और हमारे रोजमर्रा के जो जीवन में प्रभु हमारे बताते हैं कि हमारे क्या पाप हैं और हम उसको मानकर एक जैवन जीवन जी सकते हैं. So then there will be true joy and peace and love from our hearts. और फिर जो सच्चा शांति आनंद और प्रेम है ना वो हमारे जीवन में आएगा. So my dear brothers and sisters, let us all encourage one another to live with a clear conscience and a life that is praiseworthy in the sight of God. और इसलिए अब भाइयों बहनों हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है कि हमें परमेश्वर के लिए जीवन जीना है और हमारा जो जीवन है परमेश्वर को महिमा देने वाला हो. So we have to do that every day in our life, in our home, in our workplace, wherever we go, in our dealings with people. हर एक दिन हमारे जीवन ऐसा ही होना चाहिए हमारे काम की जगह पर घर में जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहां पर हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए प्रभु. As we do it on a regular basis, we find that we are growing, God filling us with the Holy Spirit, and we are growing in the praise of God. और जैसे जैसे हम अपने रोज के जीवन को जीते हैं हमें परमेश्वर हमारे जीवन से बढ़ना चाहिए और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए. आमीन. सो वी कैन हैव एन अपॉर्चुनिटी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सब लोग शेयर कर सकते हैं. तो आपका जीवन में प्रभु क्या सिखा रहा है, आपको वचन से सिखा रहा है, हम लोग ये बाइबल भी पढ़ रहा है, तो नया नियम, पुराना नियम, साम्स, प्रोवर्ब्स और निर्गमन, तो हम लोग कितना पढ़ेंगे, प्रभु हमसे बातें करेंगे और प्रभु हमको जो ज्योति देंगे और प्रभु का वचन पालने के लिए भी ताकत दे देंगे. तो कोई भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शुरू कर सकते हैं अपने अपने गवाही, जो कुछ भी हम प्रभु में कैसे प्रभु क्या सिखा रहा है, तो ये गवाही तो दे सकते हैं हमारे जीवन में, प्रभु का वचन भी बांट सकते हैं. So let us learn to encourage one another. कोई भी शुरू कर सकता है, brother or sister, कोई भी. Anybody can start. मैं ये प्रभु के वचन के द्वारा बहुत प्रसन्न पाया और शेयर करना चाहूंगा. रोमियो के अध्याय 3:10 से आगे पढ़ता हूँ. जैसा कि लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है. सब भटक गए हैं, वे सब ही निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं. उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपने जीभ से धोखा देते रहते, उनके होठों में सर्पों का विष है,
उनका मुख साफ और करवाट से भरा हुआ है, उनके पैर लहू बहाने के तत्पर रहते, उनके मार्गों में विनाश और कलेश है, और उन्होंने शांति का मार्ग जाना ही नहीं, उनकी आंखों के समक्ष परमेश्वर का भय नहीं। तो ये मैं पढ़ रहा था, बहुत प्रोत्साहन मिला मुझे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके अनुग्रह के द्वारा ही मुझे उन्होंने बचाया और एक परमेश्वर का भय मेरे जीवन में डाला, उसके लिए भी धन्यवाद। और प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया, हमारे धर्म अधर अच्छे कामों से नहीं बल्कि प्रभु के अनुग्रह से। और जैसे यशायाह में भी लिखा है कि हमारे सारे अच्छे काम मैले चिथड़े के समान है। तो प्रभु का उसके लिए मैं हर दिन धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमें हर एक सामर्थ्य और हमें बल देते, हमें हर दिन उनके साथ चलने के लिए आनंद और प्रेम और शांति देते, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और जब आगे फर्स्ट कुरिन्थियों में भी पढ़ रहा था, तो प्रभु वहाँ भी बात कर रहे थे, पहला कुरिन्थियों में 3:10-11, कि हमारा जो फाउंडेशन है, नींव है, वो प्रभु यीशु पर ही होना चाहिए। हर हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो काम कर रहे हैं या कुछ पढ़ाई या कहीं भी हम जा रहे हैं, तो पहला हमारा जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह के नींव पे ही बना रहना चाहिए। तो हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, ना ही गिरेंगे। तो प्रभु ने भी बताया कि हमें चट्टान पे घर बनाना चाहिए, तो जिससे कि हम गिरे नहीं। तो प्रभु, अगर हम कोई और जगह पे अगर मैं नींव बना रहा हूँ, तो वो नींव गिर जाएगा। प्रभु ने कहा कि जैसे कुलुसियों चैप्टर में भी लिखा है 3:23 में, कि वट एवर यू डू डू इन द नेम ऑफ जीसस, 17 में, प्रभु के नाम में करो। तो जो कुछ भी मैं प्रभु के लिए करता हूँ, वो सदा बना रहेगा, प्रभु की महिमा और उनको ही आदर मेरे जीवन से देना है। बाकी जितना भी अगर मेरे लाइफ में अगर कोई भी ऐसा चीज है और वो प्रभु यीशु के नींव पर नहीं है, तो वो गिर जाएगा। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, इन सब बातों से प्रोत्साहन मिलता है। और प्रभु कहते हैं, हर दिन जो प्रभु की इच्छा पे चलेगा वो सदा बना रहेगा, और बाकी सब तो प्रभु ने कहा रेस्ट, वो सब जल जाएंगे, क्योंकि 2 पीटर में भी 3 में भी लिखा है कि सब आग की तरह इंटेंस हीट से पूरा जल जाएगा। तो प्रभु ने हमें एक एक दिल, एक तरस दिया, एक आशा दिया, विश्वास दिया कि हम उनके लिए जिए, उनके लिए ही सब कुछ करें, क्योंकि उसमें हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और प्रभु हिब्रू चैप्टर में भी 11:6 में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो हमें अब प्रतिफल देंगे। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन। हेलो, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, बोला। अभी वचन सुना है, अभी वचन बहुत सच्चा ही वचन है, लेकिन ये वचन हमारे बुद्धि में नहीं चाहिए, ये वचन हमारे हमारे लिए काफी है, लेकिन ये वचन हम वचन से लिए हम बढ़ना चाहिए, हर रोज वचन से बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब एक झाड़ रहता है, वो झाड़ को हर रोज पानी डाल के वो झाड़ जैसा बढ़ता है, वैसा हर रोज हम वचन पढ़कर हमारे ही बड़ा हम भी बढ़ना चाहिए वचन में। क्योंकि लुकुर सुवर्तमान ने वचन बोला है, लुकुर सुवर्तमान 2 अध्याय और 51 और 52, 51-52, मग तो त्याच्या बरोबर खाली नासरेचा गेला व त्याच्या आज्ञेत राहिला, आणि त्याच्या आईने त्या सर्व गोष्टी आपल्या अंतकरणात ठेवल्या, आणि येशू ज्ञानाने व शरीराने आणि देवाच्या व माणसाच्या कृपेत वाढत गेला। आज हम प्रभू येशू के वचन सुन रहा है, तब प्रभू येशू ने देखील अपने आई बाप की आज्ञा में रहकर सब गोष्टी ख्याल में रखा है, लेकिन उनके आई बापा ने देखील उनके अंतकरण में ये वचन डालकर प्रभु ज्ञान से और शरीर से और देव से जो प्रभु के कृपे से वो बढ़ गया। आज हम भी वचन के लिए सबसे बढ़ना चाहिए, क्यों हम
हम मसीह है, हम प्रभु के लिए सब पर जा सकता है। हमारा चलना, हमारा बोलना, हम सब गोष्ठी प्रभु के लिए होना चाहिए। आमीन। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं इन दिनों में जैक बदर की जो थ्रू द बाइबल है वो पढ़ रहा था, तो उसमें डैनियल की किताब के ऊपर मैं थोड़ा मनन कर रहा था। वहाँ पे डैनियल के बारे में जो ब्रदर ने बताया वो सच में मेरे जीवन के लिए बहुत ही सीखने लायक था, क्योंकि उस समय में जब राजा ने वहाँ पे कहा था कि सब लोग वो जो मूर्ति खड़ा करेगा उसे सब लोग दंडवत करना चाहिए, तो उस वक्त शद्रक मेशक और अबीदनगो उन्होंने क्या जो कहा वो बहुत ही हैवी बातें कही जो राजा ने उसे कहा। जब नरसिंह फूका गया तब सब लोग झुके उसके सामने नमन किए, लेकिन ये तीनों ने नहीं किया। इन्होंने इनको फिर जब राजा के पास लेके गया तभी भी राजा ने उन्हें और एक मौका दिया। उन्होंने कहा कि तुम अभी भी वक्त है, उसे नमन करो या तो फिर आग की भट्टी में डाले जाओगे। उस वक्त भी वो बोलते परमेश्वर अगर इस विपत्ति से हमें बचाया अगर नहीं भी बचाया तो भी हम लोग उसको दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग मूसा की वो बातें मूसा को जो वचन दिया था वो उन्हें याद था कि मूर्ति पूजा के सामने नहीं, किसी और मूर्ति के सामने हमें नहीं दंडवत करना है। अंत में क्या होता है, वो आग में चले जाते हैं। आग में जाने के बाद वहां पे प्रभु उनको अद्भुत रीति से बचाता है। उस वक्त उनके हाथ बंधे हुए होते लेकिन वो आग जो है उनके शरीर को बिल्कुल टच नहीं करते, लेकिन उनके जो बंधे हुए हाथ थे वो जल के उनके बंधन खुल जाते। तो परमेश्वर भी हमें जब अगर किसी परीक्षा में या तो किसी प्रॉब्लम में जाता है उस वक्त वो हमारा भला ही होता है। अंत में वो हमारे जो भी बंधन है वो सब पवित्र परमेश्वर पिता हमको उस सब बंधनों से छुड़ाता है। तो इन दिनों में मुझे ये बात पता चली कि हमें कदापि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए हमारे परमेश्वर के वचन को लेके। जब इन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जब कहा गया तब तो राजा ने उनको बोला तुम्हारा फेथ रखो लेकिन इस मूर्ति को भी दंडवत करो, लेकिन उन्होंने ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने ये किया कि हम नहीं करेंगे चाहे हमारी जान भी चले जाए। तो मुझे भी मेरे जीवन में एक ऐसा जीवन जीना है कि बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के मैं जी सकूं, कि परमेश्वर परमेश्वर की जो वचन है, परमेश्वर की जो इच्छा है उसमें कदापि मैं कॉम्प्रोमाइज ना करूं। जो वचन जो कहा गया जो सिखाया गया उसी के ऊपर स्थिर रहूं अंत तक। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा और इस एग्जाम्पल के द्वारा मुझसे बातें की, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आमीन। मैं प्रभु से ये इच्छा रखता हूँ कि मैं मुझे एक हमारे जीवन में एक आग होना चाहिए, प्रभु के लिए प्यार रखना चाहिए, प्रभु की जो कुछ भी प्रभु कहता है तुरंत उसको निभाना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज ओबे द कमांड्स ऑफ द लॉर्ड एंड तभी तो हमारा जीवन में उत्सुकता आ जाएंगे बाइबल पढ़ने में। कोई एक डिसिप्लिन बनेंगे तो हम तो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एटलीस्ट हमको नया नियम तो पढ़ना चाहिए। नया नियम तो सुबह हम लोग एक टाइम टेबल दिया है, अगर जॉन्स गॉस्पेल पूरा महीने में पढ़ सकते हैं सुबह और शाम को हम लोग रोमन्स उसके बाद एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो प्रभु का वचन हमसे बातें करें, जो कुछ भी प्रभु लिखता है उस पर एक अंडरलाइन करके रखो, प्रभु ये मेरे मुझे बात से बात करो। एक एक थोड़ा एक एक साम 119 हम लोग कर रहे हैं और नीति वचन भी है, तो कभी कभी हमको याद रहता है लेकिन हम लोग रिवाइज करेंगे, प्रभु हमसे बातें करेंगे। और पुराना नियम तो में भी हम लोग एक्सोडस निर्गमन और लेविटिकस उसके बारे वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए उतना नहीं है, लेकिन प्रभु जरूर मूसा के लाइफ से जरूर बातें करेंगे हमसे। वो थोड़ा इजी रीडिंग है, ज्यादा टाइम नहीं है तो हॉलीडेज पे हम लोग ज्यादा बैठ के 3-4 चैप्टर पढ़ सकते हैं, तो ये दोनों ज्यादा पढ़ सकते हैं। और उसके अगर थोड़ा डिफिकल्ट है तो
थ्रू द बाइबल में हिंदी में इंग्लिश में है वो भी रिफर कर सकते हैं। कितना बाइबल हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे सोचेंगे तभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारा मन से बात भी करेंगे तो हमारा उत्सुकता भी बढ़ेंगे। लव फॉर द लॉर्ड विल इंक्रीज मोर एंड मोर, दिस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग टू रीड। उसके पहले इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट फेसबुक एंड पता नहीं व्हाट्सएप का इतना बड़ा आते रहते हैं यूट्यूब में और तरह इंटरेस्टिंग थिंग्स है, बाइबल को थोड़ा पहला स्थान देना चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग खत्म करेंगे सोने के पहले बाइबल पढ़ो और सुबह भी बाइबल पढ़ो, दोपहर के टाइम पे खाना खाने के लिए हम लोग टाइम ज्यादा लेते हैं एटलीस्ट 5-10 मिनट्स हम लोग थोड़ा थोड़ा समय रखेंगे, जरूर प्रभु हमसे बातें करेंगे और प्रभु का वचन हमको हमारा दिल में छिपा के रखना चाहिए। टू हाइड द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर हार्ट्स, सो द बाइबल हम लोग गाते हैं द बेस्ट बुक टू रीड इज द बाइबल। तो बाइबल के साथ प्रार्थना पढ़ेंगे, प्रार्थना भी कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, ये पूरा दिन ऐसे चलना चाहिए। एंड देन हम जो प्रभु हमारा जो कुछ भी गलतियां दिखाते हैं कबूल करना चाहिए, बी ऑनेस्ट अबाउट इट, आस्क जीसस टू क्लेंस अस बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड जो कुछ भी प्रभु बताते हैं तुरंत आपको निभाना चाहिए। हाँ ना बोलता तो प्रभु भी हमको बोलना चाहिए कि मैं नहीं करूँगा, प्रभु का वचन ऐसे कहते हैं। मेरा दिमाग जो विचार आता है कभी गलत गलत विचार भी आते हैं, चिंताएं आते हैं, प्रभु के मैं चिंता निकाल के प्रभु के ऊपर डाल देंगे, यही है हमारा एक्शन ओबीडियंस। सो लेट अस ऑलवेज ओबे द लॉर्ड एंड रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पेंड टाइम विद हिम एंड लेट बी लाइक मैरी विल ग्रो वेरी मच स्पिरिचुअली। हमारा जीवन में भी मुंह से भी जल्दी प्रभु का वचन बोलने के लिए आ जाएंगे। अपोस्टल पॉल ने कहा मैं तो एक I am a debtor. May to to the Jews as well as to the people because God has done so much for me. I have to give. May दूसरों को से बातें करना अविश्वासियों से विश्वासियों से हमको भी दूसरा बाइबल का वचन बोलने के लिए इतना सारा है और मौका होता है। कभी कभी लोग हमारे काम घर में काम के लिए आते हैं, भाजी वाला आता है, दूध वाला आता है, उनसे भी थोड़ा बात करो ना प्रभु का कैसा है बस बोल दो, थोड़ा वचन भी दे दो उसको, बाइबल का थोड़ा अंश भी दे सकता है। तो हम लोग बाइबल का अंश का स्मॉल बुकलेट्स एंड ट्रैक्स हम लोग चर्च में रखेंगे, आपको चाहिए पोस्ट में भी हम लोग बेच सकते हैं। तो आप थोड़ा पैसा भी खर्चा करके दूसरों को दे दो, प्रभु ने हमको पैसा दिया है, हमको सिर्फ खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, प्रभु का वचन बांटने के लिए भी पैसा है। तो हम लोग प्रभु का यीशु मसीह ने स्वर्ग से हमको हमको सुसमाचार बनाने के लिए आया इधर आया है, हम क्यों नहीं बना, क्यों हमने प्रभु का इतना फायदा उठाया, प्रभु ने हमको स्वतंत्र किया है, प्रभु का बच्चे बनाए, हम भी ये खुशखबरी दूसरों को भी देना चाहिए। तो प्रभु की पवित्र आत्मा हमको भरेंगे तो प्रभु हमको मौका देंगे हर टाइम, ये बोलो ये बोलो, संसारिक चीज के लिए पीछा मत करो, आपका मन प्रभु की स्वर्गीय चीज पे रखो और लोगों को भी स्वर्ग के लिए इच्छा रखो, प्रार्थना करो, एक साथ में सब हो जाएंगे, वचन पढ़ना ये सब। So there is always live like that and pray for one another also. एक दूसरे के लिए जो समस्या है बच्चों को जवानों को बूढ़े को for heavenly things हम लोग ज्यादा pray करना चाहिए। So let us always do that. More and more we practice it will become better with us. So प्रभु का धन्यवाद रहेंगे। So we will see sisters meeting गुरुवार का दिन 8:45।